हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। ये तो क्वेश्चन हमने लिए हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो पहला देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है तुम्हें, टेन जे ओमेगा प्लस फोर जे ओमेगा स्क्वायर प्लस सिक्स जे ओमेगा प्लस एट। तो इसके फैक्टर कर सकते हो क्या, नीचे फैक्टर हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर देखो एट हो जाएगा ये, सिक्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं, फोर इंटू टू यानी एट, तो इसके फैक्टर क्या पॉसिबल है। तो जब फैक्टर पॉसिबल है ही तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालना। एक बार फैक्टर निकल जाए काम बन जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख लूंगा, टेन जे ओमेगा प्लस फोर जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस, इसको मैं सिक्स को कैसे लिख लूंगा, टू प्लस फोर, ठीक है, यानी टू जे ओमेगा प्लस फोर जे ओमेगा प्लस आठ, ठीक है। अब पहले दो पेयर में से कॉमन लो, क्या आ जाएगा, टेन जे ओमेगा प्लस फोर, ठीक है, फैक्टर अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन, जे ओमेगा, तो जे ओमेगा कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा, जे ओमेगा प्लस दो। अगले वाले पेयर में से कॉमन लो, क्या चार कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ये जे ओमेगा प्लस दो, ठीक है। तो फैक्टर क्या आ गए हमारे एक्स ऑफ ओमेगा के, टेन जे ओमेगा प्लस चार कितना हो जाएगा, जे ओमेगा प्लस दो जे ओमेगा प्लस चार, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर आ चुके हैं, अब क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन सबको आता होगा करना, नहीं आता तो प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने इसकी, नहीं तो मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा। पहले क्या करते हैं, ए अपॉन जो भी है बी अपॉन, ठीक है, उसको मान लेते हैं। अब क्या करा, दोनों तरफ पहले एलसीएम लिया राइट हैंड साइड में, कितना हो जाएगा ये, टेन जे ओमेगा प्लस चार जे ओमेगा प्लस दो और ये कितना, जे ओमेगा प्लस चार। तो जब एलसीएम लेंगे इधर कितना आ जाएगा, ये जे ओमेगा प्लस दो जे ओमेगा, ये चार है यहाँ पे जे ओमेगा प्लस चार, ठीक है। तो ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, जे ओमेगा प्लस चार, और बी की मल्टीप्लाई जे ओमेगा प्लस दो। डिनोमिनेटर सेम है दोनों तरफ, कैंसिल कर दो इनको, तो हमारे पास जो बचा कितना बचा, दस जे ओमेगा प्लस चार ए जे ओमेगा प्लस चार बी जे ओमेगा प्लस दस। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी रह गई है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले ए की वैल्यू निकालनी है तो बी का टर्म जीरो बनाना पड़ेगा। बी का टर्म कैसे जीरो बनाएगा, जो भी है यहाँ से जे ओमेगा की वैल्यू निकाल लो जीरो के इक्वल पुट करके, यानी जे ओमेगा प्लस टू इजिकल्स टू जीरो, यानी एक बार मैं दिखा देता हूँ, जे ओमेगा प्लस टू इजिकल्स टू जीरो करना तो जे ओमेगा बराबर माइनस दो। तो इस बार क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, जे ओमेगा बराबर माइनस दो रखेंगे, ठीक है। तो पुट जे ओमेगा इजिकल्स टू माइनस टू, तो रख देते हैं, कितना हो जाएगा ये, दस माइनस दो प्लस चार ए माइनस दो प्लस चार बी माइनस दो प्लस दो, बी वाला टर्म जीरो हो गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस चालीस, माइनस चालीस प्लस चार कितना हो जाएगा, माइनस का छत्तीस, ठीक है, सॉरी माइनस बीस, कितना वो माइनस का बीस प्लस चार, पूरा ही लिख लेता हूँ, माइनस दो प्लस चार कितना बचा, ये ऊपर कितना बचा, माइनस का सोलह और नीचे बचा दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आठ। तो बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ए के साथ है उसको जीरो बनाना पड़ेगा। ए के साथ कौन है हमारा, जे ओमेगा प्लस फोर, तो जे ओमेगा प्लस फोर इजिकल्स टू जीरो, यानी जे ओमेगा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी इस बार, पुट जे ओमेगा बराबर माइनस चार, तो कितना हो जाएगा ये, दस माइनस चार प्लस चार ए माइनस चार प्लस चार
बी माइनस चार प्लस दो, तो इधर ये हो गया कितना 40 प्लस चार, और ये ए वाला जीरो हो गया बचा माइनस दो, तो माइनस दो से दोनों तरफ डिवाइड किया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 36 अपॉन माइनस का दो, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 18, ए की वैल्यू माइनस आठ, बी की वैल्यू माइनस 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना, ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा वापस, एक्स ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ओमेगा किसके इक्वल आ गया जब वैल्यू पुट कर दी, माइनस आठ अपॉन जे ओमेगा प्लस दो, प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर लगा दी जे ओमेगा प्लस चार। ठीक है, अब ये किसके होते हैं देखो यहाँ पे, तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा ही, मैं समझता हूँ, e की पावर माइनस ए टी यू टी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो कितना होता है, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, तो इसी चीज को देख लो यहाँ पे, वन अपॉन ये करके मिला हुआ है हमें। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ फॉरियर इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, माइनस आठ को बाहर ले लेता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ वन अपॉन टू प्लस जे ओमेगा लिख लेता हूँ उसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, प्लस 18 को बाहर ले लो ऐसे ही, एफ इनवर्स वन अपॉन फोर प्लस जे ओमेगा। ठीक है, एक्स ओमेगा तो बन जाएगा एक्स टी, हो जाएगा इनवर्स के बाद माइनस एट वन अपॉन टू प्लस जे ओमेगा, तो इससे कंपेयर करो, ए की जगह क्या रखूं मैं टू, तभी तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू जे ओमेगा, तो यहाँ पे टू रखना पड़ेगा, तो किसका आ जाएगा ई की पावर माइनस टू टी यू टी का होगा ये। ठीक है, 18, तो ये किसका होगा, ई की जगह चार रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस फोर टी यू टी, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चाहे यू टी को बाहर लिख सकते हैं, फिलहाल ये आंसर है, इतना ही कुछ करना। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या आगे बनता। ठीक है, पार्ट जो सेकंड था इसका, तो ये पहले का आंसर आ गया, अब दूसरे का देखते हैं। पार्ट बी है एक्स ओमेगा बराबर 60 अपॉन माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 40 जे ओमेगा प्लस 1300, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन है ये, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 40 जे ओमेगा प्लस 1300, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको पहले जे ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, हमें पता है जे स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, माइनस वन के। ठीक है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी जे ओमेगा का स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, जे ओमेगा का स्क्वायर, तो एक्स ओमेगा हमारा क्या बन जाएगा, 60 अपॉन जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 40 जे ओमेगा प्लस 1300। अब इसके देखते हैं फैक्टर पॉसिबल है या नहीं, तो 1300 हो जाएगा, 40 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1300 आए और ऐड करने पे 40 जे ओमेगा आना चाहिए, तो ऐसे तो कोई नंबर है नहीं, मुझे लगता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं देखो, मैं क्या करता हूँ इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ होल स्क्वायर, तो कैसे बनाते हैं हमें पता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या है, ए स्क्वायर दिख रहा है बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ जो भी बी होता है उसका हाफ करता हूँ। ठीक है, और उसका स्क्वायर करके एड और सबट्रैक्ट कर देता हूँ, यही काम करते हैं जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, ये 10th क्लास में पढ़ाता है, यहाँ पे बस ये जे ओमेगा बस एक्स की जगह। ठीक है, तो इसका हाफ कितना होगा 40 का, 20, कितना होगा 20, तो मैं क्या करूँगा 20 का के स्क्वायर को ऐड कर दूंगा, 20 के स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए 40 जे ओमेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ 20 का स्क्वायर ऐड कर दे रहा हूँ और 20 का स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी का नंबर कितना 1300। तो अब ये इतना पार्ट जो है, ध्यान से देख रहे होगे तुम, इतना पार्ट जो है किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, टू ए बी कैसा, टू
40 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 इंटू जे ओमेगा इंटू बी कितना 20, तो ये 40 जे ओमेगा ही तो है, तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, क्या बन रहा है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मेरा एक्स ओमेगा क्या बन गया, ध्यान से देख रहे होगे तुम, 60 अपॉन जे ओमेगा प्लस 20 का होल स्क्वायर, और बाकी का कितना बचा उसको सोल्व कर लो, -20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 1300, कितना बचा 60 अपॉन जे ओमेगा प्लस 20 का स्क्वायर, कितना बचेगा ये 900, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ कुछ मुझे फॉर्मूला सा याद आ रहा है, अगर याद हो तो तुम्हें, ये फॉर्मूला है ठीक है, जब नीचे क्या हो शिफ्टिंग हो प्लस स्क्वायर बन रहा हो, 900 को क्या लिख लूंगा मैं, 900 को 30 का स्क्वायर, तो दो फॉर्मूले होते हैं ठीक है, एक साइन का एक कोस का, मुझे मैं दिखाता हूँ दोनों फॉर्मूले क्या, ठीक है मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा नोट टी यू टी, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, अगर याद हो तो आपको ठीक है, ओमेगा नॉट ए प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये होता है, एक कोस का भी होता है इसी तरह से, अगर कोस का देखना कैसे करेंगे, ई की पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा नॉट टी यू टी, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों इनवर्स का जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका होता है ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, ए और डिनोमेटर क्या रहता है सेम रहता है, और न्यूमेटर का फर्क होता है ठीक है। इसका प्रूफ जानना चाहते हो कैसे, क्या ये मॉड्यूलेशन से, क्या मैंने पहले ई की पावर माइनस ए टी यू टी का निकालो, फिर मॉड्यूलेशन की हेल्प से साइन ओमेगा नॉट टी का निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों को याद रखना, कौन सा लगेगा ये तुम्हें अब आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर इसका प्रूफ निकालना है तो मैंने मॉड्यूलेशन वाला कराया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मॉड्यूलेशन से, ठीक है। मैंने कहा था मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो याद रखना, केवल ऐसे याद रख सकते हैं, अगर भूल भी जाए मान लो याद नहीं रहा फॉर्मूला, ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं, नीचे क्या पढ़ना, ए प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का मतलब स्क्वायर के टर्म आए डिनोमीटर में, अगर स्क्वायर के टर्म बनते हैं डिनोमीटर में तो हमें क्या याद रखना है, ई की पावर माइनस ए टी साइन वाला आएगा, ठीक है, या साइन वाला आएगा या कोस वाला आएगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम मॉड्यूलेशन से क्या कर लेंगे, दोनों को प्रूव भी कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देखो तुम कौन सा ये फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे देखो न्यूमेटर में 60 है केवल, यानी कॉन्स्टेंट है, तो साइन वाला बनना है यहाँ पे ओमेगा नोट, नीचे वाला तो ए प्लस जे ओमेगा, तो मतलब जे ओमेगा वाला टर्म तो है नहीं ऊपर, ठीक है, क्योंकि डिनोमेटर सेम है, पर न्यूमेटर देख के पता लगाना, अगर कॉन्स्टेंट है केवल तो साइन वाला यूज करेंगे, अगर रियल इमेजिनरी वाला आ रहा तो यहां से हमें क्लियर हो गया फॉर्मूला कौन सा लगने वाला, साइन वाला लगने वाला, ठीक है, क्योंकि ओमेगा नोट है ऊपर केवल, यानी मतलब कॉन्स्टेंट है ये 60, इसकी वैल्यू नहीं है। अब देखो कंपेयर करना दोनों फॉर्मूले का, इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, इसका डिनोमेटर क्या किसका करना है और डिनोमेटर का कंपेयर करना, तो यहाँ पे क्या देख रहे होगे स्क्वायर के अंदर जे ओमेगा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, अगर देखो डिनोमेटर डिनोमेटर को कंपेयर करना तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यानी ओमेगा नॉट कितना हमारा, ओमेगा नॉट कितना 30, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में मैं रख देता हूँ दोनों वैल्यूज, एक ही जगह 2 और ओमेगा नॉट की जगह 30, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखते हैं कि एक जैसा ही बनता है या फिर लिनियरिटी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो कितना बन जाएगा ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है, साइन, या इसको मैं फॉर्मूले को उल्टा करके लिख लूं इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, तो पहले लिख देता हूं
राइट हैंड साइड, या चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हम तो अभी तक लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। ई की पावर 2t, जो फर्स्ट फॉर्मूला, एक जगह 2 रख दो, ओमेगा नोट की जगह 30 रख दो, तो ये हो जाएगा साइन 30t ut। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा नोट, ओमेगा नोट की जगह 30 है, और कितना हो जाएगा? ए यानी 2 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, सेम बन गया। ऊपर न्यूमेटर देखोगे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे लिनियरिटी प्रॉपर्टी पता है, मैं क्या कर सकता हूँ, दो नंबर साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 2 की हो जाएगी, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर हो जाएगा ये 2 e की पावर -2t साइन 30t ut। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है? जब 2 की तरकीब तो कितना हो जाएगा, 30 की 60 हो जाएगा। 2 प्लस j ओमेगा का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी हमारा आंसर जो आया है, एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू आई है, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा था, तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू आई है कितना आई है हमारी, एक्स टी की जो वैल्यू आई है, इसका इनवर्स फोरियर लेने के बाद कितना आई है? 2 ई की पावर -2t साइन 30t ut। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है। देखो दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब स्क्वायर की टर्म देखने को मिले, जब मतलब फैक्टर ना हो पाए डिनोमिनेटर के, और स्क्वायर का टर्म भी बनेगा फिर। ठीक है, तो जब इस टाइप की कंडीशन आती है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मैं पहले वाले का प्रूफ दिखा देता हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि ऐसे ही चिपका दिया। ठीक है, सेकंड वाले का होमवर्क समझ के आप कर लेना। ठीक है, फिलहाल इसका देखो मैंने प्रूफ किया हुआ, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर वन से क्या करना, पहले ई की पावर -at यूटी का निकालेंगे, जो कि होता है 1 + a जो में होगा। ठीक है, फिर मॉड्यूलेशन की हेल्प से साइन ओमेगा नॉट टी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो जी अपॉन 2 एक्स ओमेगा +2 -x ओमेगा -2 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ओमेगा नहीं, ओमेगा नॉट, यहाँ पे देखो पहले ई की पावर -at यूटी का निकाला, ये होता है, फिर साइन ओमेगा नॉट टी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड्यूलेशन की हेल्प से क्या होता है, जे अपॉन टू एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी -x ओमेगा -ओमेगा नॉट टी हो जाता है। जब इस वाले इसमें, ठीक है, जब मैं साइन ओमेगा नॉट टी का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा फर्क उसमें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे अपॉन टू, पहले क्या आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दो, तो 1/a प्लस जे ओमेगा में ओमेगा को ओमेगा से प्लस नॉट से रिप्लेस किया, ये आ गया, फिर माइनस से किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना, बस राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करते हुए जाना। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या अगले उस वाले स्टेप में जे की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, दोनों तरफ जे की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा नोट, ए प्लस जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा नोट, तो ये ऊपर न्यूमेटर में ये इधर गया और ये वाला इधर गया। ठीक है, तो ऊपर कुछ टर्म जब कंबाइन करेंगे कट जाएंगे। अगेन यहाँ पे देखो ए प्लस जे ओमेगा था, दोनों में क्या बन रहा था, सेम बन रहा था, और बाद में क्या बन रहा था, जे ओमेगा नोट। ये हमने इस क्यों किया, ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। ये क्या बन रहा है, देखो ध्यान से देखोगे तुम, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जब दोनों ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखो मैंने सेम चीज यहाँ पे की है, तो एक्स का स्क्वायर यानी ए प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई कितना, जे ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या किया, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस जे की जे से की जे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट, यहाँ पे अलग अलग कर दिया स्क्वायर को। हमें पता है जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, तो माइनस की -1 होती है। ठीक है, इस टाइप से लिखा है, तो दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा न्यूमेरेटर में, ओमेगा नोट, ऐसे ही यहाँ पे ये -1 आएगा, तो 2 - 1 साथ प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ जो होता है इसका इस टाइप से आता है।
होमवर्क जो मिलने वाला है तुम्हें देने वाला हूं मैं कोर्स का, ठीक है? फिलहाल दोनों तो रिजल्ट तुम्हें याद रखने, अगले वाले वीडियो में मैं यूज करूंगा कोर्स का, आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।